हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इमीडिएटली आपका कौन कौन सी विश पूरी होने वाली है, कौन कौन सा विश फुलफिल होने वाला है इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ पर टू पाइल्स रखे हुए हैं मंथ के हिसाब से, तो आप अपनी बर्थ मंथ के हिसाब से कोई भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपना बर्थ मंथ चूज करना है। तो यहाँ पर पहली पाइल में है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। सेकंड पाइल में है फरवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, तो कोई भी एक पाइल को आप चूज करें आपकी बर्थ मंथ के हिसाब से। तो गाइस, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं चूज़ किया है तो आप पॉज करके चूज़ कर सकते हैं। तो पहले जिन्होंने भी चूज़ किया है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, उनकी पहले मैं रीडिंग करूँगी पाइल नंबर वन के लिए। ठीक है, पाइल नंबर टू को मैं अभी अलग जगह पे रख रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर वन से, और टाइम स्टैम्प मैंने दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका कौन सी विशेस पूरी होने वाली है इमीडिएटली। पाइल नंबर वन के लिए प्लीज एंजॉय गाइड करें। जो लोग भी पाइल नंबर वन चूज़ किया है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, प्लीज़ एंजल गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिन लोग भी पाइल नंबर वन चूज़ किए हैं, उनके कौन कौन सी विशेस इमीडिएटली फुलफ़िल होने वाला है, इमीडिएटली कौन कौन सी विशेस फुलफ़िल होने वाला है मेरे व्यूअर्स। जो लोग भी जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सेप्टेम्बर, नवम्बर में बर्थ हुए हैं, उनका कौन कौन सा विशेस फुलफिल होने वाला है इमीडिएटली। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, क्या क्या विश फुलफिल होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत है गाइस। ओके, देखिए पहली चीज, अगर आप लोग पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे थे, पैसा को लेके दिक्कत था, जॉब को लेके दिक्कत था, परेशान थे, कंफ्यूज थे, तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाले हैं, विक्ट्री मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, रिलेशनशिप में कंफ्यूजन था, बहुत ज़्यादा सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक थे, तो उस सिचुएशन में आप लोग बहुत ही जल्दी बाहर आओगे 5 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर। ठीक है, और आपको स्टेबिलिटी मिलेगा गाइस, जिसके लिए आप बहुत दिनों से इमोशनल थे, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत किया, काम किया। ठीक है, उस सारे एरिया ऑफ फील्ड में आपको सक्सेस मिलने वाले हैं। आपके लिए कार्ड ही वैसा ही आया है, 6 of Wands, सारे एरिया ऑफ फील्ड में आपको सक्सेस मिलने वाले हैं। स्पेशली करियर में आपको सक्सेस मिलेंगे अगर आपने लगातार काम किया और आपको लॉसेस देखने को मिला है, या तो फिर बहुत दिनों से आपका बैड हेल्थ चल रहा था, हेल्थ इशूज़ चल रहा था, तो भी आपका हेल्थ इम्प्रूव होने वाले हैं गाइस। और अगर आपका सारे फ्रेंड्स आपसे दूर छोड़ के चले गए थे, या फिर किसी के साथ भी आपका बन नहीं रहा था, आपके फैमिली वाले आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे, आपके फ्रेंड्स सब कटे कटे रहते थे और उनके साथ उनका आपका बनता नहीं था, आपके फैमिली मेम्बर के साथ, आपके भाई बहन के साथ अगर आपका दिक्कत चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था, बन नहीं रहा था, तो भी यहाँ पर आपको राहत मिलते हुए दिख रहे हैं। जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम था यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा इमीडिएटली 6 वीक के अंदर, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। विक्ट्री का कार्ड आया है, 6 of Wands का कार्ड आया है। और जो लोग शादी करना चाहते हो, ट्रेडिशनली मैरिड करना चाहते हो, फैमिली की मर्जी से लव मैरिज करना चाहते हो, या तो फिर अरेंज मैरिज करना चाहते हो, जैसे भी आप चाहते हो, वहाँ पर आपको विक्ट्री और सक्सेस दोनों मिलेंगे। हेरोफेंट के साथ 6 of Wands, दोनों ही शादी का कार्ड है। अगर शादी में कास्ट कल्चर का इशू आ रहा था, सोसाइटी का इशू आ रहा था, अगर कोई मैरिड थे, कोई अनमैरिड थे,
जो भी आपका सिचुएशन था, ठीक है, अगर आपका विशेष था सबकी मर्जी से ट्रेडिशनली शादी करना, या तो फिर शादी करना आपका जो है मेन विश था, तो यहाँ पर आपका फुलफिल हो जाएगा गाइस। और आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या फिर इमोशनली मैनिफेस्ट किया है, गॉड को रो रो के मैनिफेस्ट किया है, बहुत दिनों से आप जो है इसके लिए प्रेयर किए हैं, काम किए हैं, स्टैंड लिए हैं खुद के लिए, ठीक है, और लगातार जो भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं, हार्डल्स आए हैं, आप उनको फेस करते गए और अंदर ही अंदर घूरते गए, खुद की इमोशन को छुपाया, और आप जो है बेटर पर्सनालिटी बन चुके हो, स्टेबल पर्सन बन चुके हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं आप, ग्राउंडेड पर्सन, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन आप बन चुके हैं, या तो फिर हो जाएंगे आने वाले 5 वीक के अंदर, या तो फिर 5 मंथ्स के अंदर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंथ्स और 5 वीक लग सकता है। तो आप बेटर वर्जन बन के आओगे गाइस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इंटेलिजेंट और ग्राउंडेड पर्सन होंगे आप, और आप इंडिपेंडेंट होंगे, पैसों का आपका कमी नहीं रहेगा, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन आप बन जाओगे। तो बहुत ही अच्छा है पाइल नंबर 1 के लिए गाइस। चलिए इस डेक से मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, प्लीज एंसल गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सेप्टेम्बर, नवम्बर, जो लोग भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हैं, उनका कौन कौन सी विश इमीडिएटली फुलफिल होने वाला है। मेरे व्यूअर्स जो लोग पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हैं, उनकी कौन कौन सी विश इमीडिएटली फुलफिल होने वाले हैं, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स की कौन कौन सी विश इमीडिएटली फुलफिल होने वाले हैं। बर्थ, अगर किसी को बहुत दिनों से बेबी का नीड था, मैरिड हो, बेबी नहीं हो रहा था, तो वो विशेस आपका फुलफिल हो सकता है, और न्यू बिगनिंग आ सकता है आपके लाइफ में, सारे एरिया ऑफ फील्ड में आपको यहाँ पर जो है न्यू बिगनिंग देखने को मिलेंगे। यस, बहुत दिनों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप जूझ रहे थे, बहुत दिनों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अगर थे आप, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग आते हुए मुझे दिख रहा है। जो भी आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ रहा था, वो उस ऑब्स्टिकल्स को काट ऑफ करोगे और काट ऑफ करके आगे बढ़ोगे, और एंजल की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आपने मैनिफेस्ट किया है बहुत अच्छी तरीके से, और आपका रिजल्ट आपको मिलने वाला है गाइस। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप थे, यस, लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा गाइस। फेटेड मीटिंग का कार्ड है, ओके, एंजल आपके साथ है, आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, और आप अपनी काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, फेटेड मीटिंग का कार्ड है, आप दोनों का जो मीटिंग है वो पास्ट लाइफ से डिस्टाइंड है, और मीटिंग्स होगा ही होगा, मीटिंग होने का टाइम हो चुका है गाइस। तो आने वाले 7 डेज के अंदर भी आपका रियूनियन हो सकता है यहाँ पर, अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं स्पेशली, तो आने वाले 7 डेज के अंदर लाकी वंस को यहाँ पर रियूनियन हो सकता है। आपके लव लाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को पार करके आप लोग आए हैं, और एंजल की ब्लेसिंग्स भरपूर है आपके रिश्ते में, आप इंटेलिजेंट बन जाओगे आने वाले टाइम में, या तो फिर धीरे धीरे आप ग्रो कर चुके हो, टीचिंग फील्ड से हो सकते हो, एजुकेशनल फील्ड से हो सकते हो, तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ऑथोरिटेटिव पर्सन आप बनोगे, मतलब अथॉरिटी आपके हाथ में रहेगा, जैसे कि किसी कॉलेज का प्रिंसिपल आप बन गए, या फिर स्कूल का हेडमास्टर आप बन गए, इस तरीके का हो सकता है, मतलब सोसाइटी में आपका एक बहुत अच्छा पोजीशन रहने वाला है, काम की जगह पे आपने बहुत सारे मेहनत किए हैं इतने टाइम, उस मेहनत का फल आपको, रिजल्ट आपको मिलने वाला है, अगर आप फीमेल है तो भी, अगर आप मेल है तो भी, बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट बन जाओगे, और काफ़ी हद तक बन चुके हो गाइस, ठीक है, और आपको एक पोजीशन मिला है आपके जो भी जगह पे आप रहते हो, काम करते हो, या तो फिर आप खुद का जो वर्थ है वो पहचान पाए हो कि आप कौन हो, ठीक है, और आपके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आए, इसके बारे में आपको नॉलेज है, आप जान चुके हो, और कोई नहीं तो आप खुद का वैल्यू खुद आपको पता चल चुका है, ओके, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के कौन सी विशेस फुलफिल होने वाले हैं, जो भी पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं।
प्लीज एंसर गाइड करें मेरे व्यूअर्स की कौन सी विशेस फुलफिल होने वाले हैं जो लोग पाइल नंबर वन को चूज किया है। मेरे व्यूअर्स की कौन सी विशेस फुलफिल होने वाले हैं। ओके तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी एडिक्शन था या फिर आपके रिश्ते में कोई भी डेविलिश एनर्जी था, वहाँ से आप बाहर आ जाओगे। आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, कोई भी पर्सन था जो कि आपको गलत रास्ता दिखा रहा था, या तो फिर रिलेशनशिप में किसी डेविल एनर्जी की वजह से, कार्मिक एनर्जी की वजह से आप परेशान थे, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, फेयरनेस आएगा आपके तरफ, जजमेंट होगा। जस्टिस और जजमेंट दोनों एक साथ आए हैं आपके पाइल में, तो मेजर डिसीजन यहाँ पर डिवाइन की तरफ से भी होगा और आपके लाइफ में मेजर डिसीजन आएंगे गाइस। ठीक है, जिस भी प्रॉब्लम में आप जूझ रहे थे बहुत दिनों से, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई ना कोई कार्मिक एनर्जी या तो फिर आपका ही पास्ट लाइफ कोई कर्मा था जिसकी वजह से आप परेशान थे बहुत दिनों से, तो यहाँ पर बैलेंस होगा वो सिचुएशन, फेयरनेस आएगा, जो आपके लिए सही है वही आएगा और डिवाइन की भरपूर ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। ओके, आपका नॉलेज विजडम बढ़ेगा और आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पाओगे लोगों को, खुद की जो भावनाएं हैं उसको आप अगर बोलना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो तो कर पाओगे, एक्सप्रेस बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे, समझा पाओगे लोगों को, इस तरीके का यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, प्लीज एंसर गाइड करें पाइल नंबर वन के लिए कौन सी विशेस उनका फुलफिल होने वाला है, इमीडिएटली कौन सी विशेस फुलफिल होने वाला है पाइल नंबर वन, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जिनका भी बर्थ मंथ है, कौन सी विश इमीडिएटली फुलफिल होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स। अगर फैमिली से आप दूर रहते थे, फैमिली के साथ डिस्टेंस आ गया था, सेपरेशन आ गया था, अगर हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ डिस्टेंस आ गया था, सेपरेशन आ गया था, या तो फिर आप बहुत दिनों से अच्छी फैमिली चाह रहे थे, शादी चाह रहे थे, जैसे कि यहाँ पर शादी का कार्ड आया है, तो यहाँ पर शादी होने के भी चांसेस है और वो विशेस आपका फुलफिल होगा। फैमिली से दूर थे तो फैमिली में आओगे, फैमिली में प्रॉब्लम था तो फैमिली में इम्प्रूवमेंट आएगा, होम से रिलेटेड रिनोवेट आप कर सकते हो, घर में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, घर की आप काम करवाना चाह रहे थे, घर की कुछ चेंजेस लेके आना चाह रहे थे, गार्डनिंग करना चाह रहे थे, गेट लगाना चाह रहे थे, तो वो सारे आपका जो विशेस था वो फुलफिल होगा। और साथ ही साथ अगर आप अपनी पर्सन के साथ थोड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, कहीं बाहर घूमने जाना, डेटिंग पे जाना, या तो फिर नेचर के करीब जाना, नेचर के आसपास जाना, पीस आपको चाहिए था अपनी लाइफ में, तो आप ये सारी चीज़ों को आपके लाइफ में आएगा, ये सारी विशेस आपका फुलफिल होगा गाइस। यस, कहीं बाहर घूमने जा सकते हो आप लोग, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, देखिए यहाँ से भी क्लाउड का एनर्जी आ गए, तो पाइल नंबर वन आप लोग बहुत जो है ना बुरे वक्त देख चुके हो, देख रहे हो अभी भी, उस टाइम का ख़त्म हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहा है वहाँ से आप बाहर आ जाओगे, बाहर आने का टाइम आ चुका है और आपके लाइफ में अच्छा वक्त अभी शुरू होगा। ठीक है, न्यू बिगिनिंग की कार्ड आया है यहाँ पर, जो अच्छा वक्त है वो आ रहा है आपके लिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी पाइल नंबर वन को चूज किए हैं उनके लाइफ में देखिए मैसेजेस का कार्ड आ रहा है, जो लोग भी पाइल नंबर वन को चूज किए हैं या कौन कौन सी विशेस उनका फुलफिल होगा। प्लीज एंसर गाइड करें इमीडिएटली पाइल नंबर वन के लिए क्या क्या विशेस फुलफिल हो सकता है मेरे व्यूअर्स, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सेप्टेम्बर, नवंबर, कौन कौन सी विशेस फुलफिल हो सकता है। वन मोर कार्ड, ओके थैंक यू एंजल। देखिए यहाँ से भी चाइल्ड का कार्ड है, जिन लोगों का चाइल्ड का प्रॉब्लम था, बेबी का प्रॉब्लम था, बेबी होने वाले हैं गाइस, और यहाँ पर बेबी की गुड न्यूज़ आ सकता है, साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा था वहाँ से आपको न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा, करियर में आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किए हो तो आपको न्यू रास्ता यहाँ पर दिखेगा और आप ऑफिशियल पर्सन बन जाओगे, मतलब कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर में सक्सेस आपको दिखेंगे, करियर में न्यू बिगिनिंग आपको दिखेंगे। तो गाइस ये था पाइल नंबर वन के लिए रीडिंग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही पॉजिटिव
जो है निकल कर आया है, आपका सारी विशेस फुलफिल होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा रीडिंग निकल कर आया है, तो रीडिंग को क्लेम कीजिएगा पाइल नंबर वन। और आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा रीडिंग, ज़रूर से लाइक करना, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब जरूर करके जाना इस तरीके का रीडिंग देखने के लिए। फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पाइल नंबर वन। हेलो पाइल नंबर टू, चलिए देखते हैं आपका कौन कौन से विशेस इमीडिएटली फुलफिल होने वाला है, जो भी आपने प्रे किए हैं, मैनिफेस्ट किए हैं, आपका कौन कौन सी विशेस फुलफिल होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, जो लोगों का भी बर्थ मंथ फरवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, या फिर जो लोग भी पाइल नंबर टू को चूज़ किया है, उनके कौन कौन सी विशेस फुलफिल होने वाले हैं इमीडिएटली, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की कौन कौन सी विशेस फुलफिल होने वाले हैं इमीडिएटली, जो लोग भी पाइल नंबर टू को चूज़ किए हैं, फरवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, जिनका भी बर्थ मंथ है, उनका कौन कौन सी विशेस फुलफिल होने वाले हैं, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी पाइल नंबर टू को चूज़ किए हैं, उनका कौन कौन सी विशेस फुलफिल होने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स की इमीडिएटली कौन कौन सी विशेस फुलफिल होने वाले हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। पाइल नंबर टू फरवरी, में अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, मेरे व्यूअर्स, पाइल नंबर टू, जिनका भी बर्थ मंथ फरवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, जिन लोग भी पाइल नंबर टू को चूज़ किया है एनी रीज़न, उनके लिए यहाँ पर क्या क्या विशेस फुलफिल हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है आपके लिए, अगर आपने शादी मैनिफेस्ट किया था, अगर शादी में लीगल मैटर चल रहा है, प्रॉब्लम आ गया है, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, तो वो लीगल मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है। और शादी के लिए कोई पावरफुल डिसीजन यहाँ पर आप ले सकते हो। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, अपनी हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और सेपरेशन आ गया है शादी में, तो यहाँ पर यूनियन होगा। देखिए लवर्स की एनर्जी है, साथ ही साथ फोर ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर शादी ज़रूर होगा और शादी में रीयूनियन होगा। जो लोग सिंगल हो, लीगली मैरिड करना चाहते हो आपके पर्सन के साथ, तो यहाँ पर लीगल मैरिज होगा, लव मैरिज होने की चांसेस है। जो लोग लव मैरिज चाहते हो आपके पर्सन के साथ, आपके लव्ड वन के साथ, लव मैरिज आपको होगा। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है ये चाहते हो कि आपको बहुत अच्छा पावरफुल पोजिशन मिले, ठीक है, काम की जगह पर, आपके सोसाइटी में, आपके फैमिली में हर कोई आपको रेस्पेक्ट करे, आपकी डिसीजन को माने, और आप साथ ही साथ एक पावरफुल पर्सन भी बन चुके हो ऑलरेडी, या तो फिर बन जाओगे। आपका ये विशेस फुलफिल होगा, करियर में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगे, या तो फिर बहुत अच्छा पोजीशन आपको मिलेगा, ठीक है, कोई अथॉरिटेटिव फिगर आप बन सकते हो, किसी जगह का आप बॉस बन सकते हो, ठीक है, कि जो भी कंट्रोल होगा आपके हाथ में होगा, आप मेन होगा होंगे, वहाँ का हेड होंगे, जो भी ऑफिस में आप काम करते होंगे वहाँ का बॉस या फिर हेड होंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये कार्ड एम्परर दिखाता है राजाओं की राजा को, ठीक है, महाराजा को दिखाते हैं, तो उस टाइप का कोई पोजीशन आपको मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, या तो फिर आप उस तरीके से बन रहे हो, खुद को ग्रो कर रहे हो। अगर कुछ दिनों से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्या करना चाहिए मैरिज को लेके, लव लाइफ को लेके, एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या एक्स के साथ आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा या नहीं, तो यहाँ पर ठीक होने की भी पूरा चांसेस है, लव मैरिज होने की चांसेस है, रियूनियन का चांसेस है। अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच के अनहैप्पी थे, पास्ट में आप लोगों का बहुत अच्छा लाइफ था, या फिर किसी चीज़ों को आपने रिसेंटली खो चुके हैं, खो दिए हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, गिल्ट में हैं, तो यहाँ पर रिकवरी आते हुए मुझे नज़र आ रहा है गाइस। स्पेशली लव लाइफ में आपको कमिटमेंट मिलने वाले हैं, ठीक है, मैरिज के ऑफर्स,
मैरिज के कमिटमेंट आपको मिलेंगे, साथ ही साथ करियर में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, करियर में ग्रोथ नहीं थी, हेल्थ इश्यूज था, फैमिली वालों ने आपको अकेला कर दिया था, टिगर दे दे के फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, सब ने आपको छोड़ दिया था, तो यहाँ पर आपने डटे रहे, काम किया, खुद के लाइफ में स्टैंड लिया, आगे बढ़े, साहस दिखाया, स्ट्रेंथ लेके आए खुद के अंदर, और जो भी आपके लाइफ में कंफ्यूजन था, जो भी पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे, जो भी आपको भला बुरा बोल रहे थे, आपके साथ फाइट कर रहे थे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, खुद की मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे थे, अगर आपके अंदर कोई भी डेविलिश एनर्जी था, कोई भी एडिक्शन था, गुस्सा था, बहुत ज़्यादा ईगो था, तो उन सारी सिचुएशन से आप लोग बाहर आ जाओगे गाइस, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करोगे, खुद के लिए स्टैंड लोगे और बेटर पर्सनालिटी बनोगे, ग्राउंडेड पर्सनालिटी बनोगे, और साथ ही साथ पैसों का दिक्कत आपको नहीं रहेगा, पैसों में स्टेबिलिटी आ जाएगा, और मैरिज लाइफ के लिए कमिटमेंट आपको मिल सकता है, स्टेबिलिटी मिल सकता है, लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आते हुए मुझे दिख रहा है। और जो लोग लवर्स के लिए देख रहे हो, आप दोनों के बीच में अगर फैमिली थर्ड पार्टी है, तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर वो सिचुएशन सॉल्व होकर लव लाइफ में मैरिज होगा, लव जो है मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लोग एक्स के लिए वेट कर रहे हो, एक्स का मैसेज, एक्स का कॉल, या फिर आप मैरिड हो और सेपरेशन में हो, तो आपके एक्स हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर वो वापस आएंगे, एक्स हस्बैंड बोल सकते हो या फिर हस्बैंड वाइफ बोल सकते हो, तो आप वाइफ के लिए वेट कर रहे हो, हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो, सेपरेशन एंडिंग का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर वो विशेष फुलफिल होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग कार्ड्स देख सकते हो, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ बैंड्स और दी लवर्स, तो रियूनियन होगा, शादी में रियूनियन आएगा, सेपरेशन एंड होगा, जस्टिस होगा, अगर कोई लीगल मैटर आ चुका था आप दोनों के रिश्ते में, तो आपके फेवर में आएगा वो सारी चीज़ें, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, रियूनियन का कार्ड है, शादी का कार्ड है, तो जो लोग सिंगल हो यहाँ पर शादी होगा, कमिटमेंट मिलेंगे यहाँ पर, लीगल मैरिड हो सकता है, मैरिज हो सकता है आप दोनों के बीच। तो पहले ही जितने सारे कार्ड्स आए आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है गाइस, पैसों का अगर दिक्कत है, हेल्थ इश्यूज है, वो भी शॉर्ट आउट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, ऐसे तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आ गए हैं, और देखते हैं इस से प्लीज गाइड करें। जो लोग भी पाइल नंबर टू को चूज़ किया है, उनका कौन कौन सी विशेष फुलफिल होने वाला है इमीडिएटली। पाइल नंबर टू, डेट ऑफ बर्थ मंथ फरवरी, में अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, जिनका भी बर्थ मंथ फरवरी, में अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, उनका कौन कौन सी विशेष फुलफिल होने वाला है इमीडिएटली क्या विशेष फुलफिल होने वाले हैं। पैसों का कमी आपको नहीं रहेगा, करियर में अगर प्रॉब्लम चल रहा था तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा, कोई टार मोमेंट से आप लोग गुजर रहे हो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आप खुद के काम के लिए प्लानिंग करोगे, फोकस्ड रहोगे, फ्रेंड्स की हेल्प आपको मिलेगा, और एक्सप्रेसिव हो जाओगे आप लोग, एक्सप्रेस करना सीखोगे, करोगे, और करियर में बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले हो गाइस आप लोग, ठीक है। अगर करियर में प्रॉब्लम आया था, पेंटिकल में प्रॉब्लम आया था, तो यहाँ पर वो सारे प्रॉब्लम्स गायब होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या तो फिर दो सिचुएशन में आप जगल कर रहे थे, या तो फिर स्पिरिचुअलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में आप जगल कर रहे थे कि मुझे स्पिरिचुअल होना है या फिर प्रैक्टिकल रहना है, कौन सी लाइफ को आप चूज़ करोगे आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर वो सॉल्यूशन आते हुए नज़र आ रहा है। आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, आप एक्सप्रेस कर पाओगे, सबको अनकंडीशनल लाभ कर पाओगे, और नेचर के बहुत करीब रहोगे, और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके का वाइब्रेशन है। अदरवाइज करियर में आपको बहुत ज़्यादा जीत हासिल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और करियर में आप फोकस रहोगे, प्लानिंग करके काम करोगे। कौन कौन सी विश फुलफिल हो सकता है प्लीज एंजल गाइड करें। फाइल नंबर टू के लिए कौन कौन सी विशेस फुलफिल हो सकते हैं, फाइल नंबर टू प्लीज एंजल गाइड करें। फाइल नंबर टू के लिए कौन कौन सी विशेस फुलफिल हो सकते हैं, फाइल नंबर टू।
करियर में ज़्यादा फोकस्ड आएंगे, आपको करियर में आप काम करोगे। ये दो कार्ड फिर से वापस आ गए। अगर करियर में आपको प्रॉब्लम भी आते हैं आने वाले टाइम में, तो आप गिव अप नहीं करोगे, और आपको यही गाइडेंस है, गिव अप मत करो। ओके, डिवाइन की गाइडेंस आपको है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कौन कौन सी विशेष फुलफिल होने वाले हैं, प्लीज सेंट्रल गाइड करें। एक एक करके काट दीजिए मुझे, कौन कौन सी विशेष फुलफिल होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए हैं आपके रास्ते में, और आपने वहाँ पर स्टैंड लिया है, गिव अप नहीं किया है अभी तक, तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे और मिलने वाले हैं। यस, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। दी लुकआउट, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा, आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, या तो फिर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या नहीं, इसके बारे में थोड़ा अलर्ट रहना होगा। आप काम में इतना बिजी रहोगे कि अदर चीज़ों का आप फोकस नहीं करोगे, तो आपके पीछे पीठ पीछे क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज बच्चों को लेकर अगर प्रॉब्लम था, आपके जूनियर के साथ, आपके भाई बहन के साथ अगर आपका कोई अनबन चल रहा था, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपका विशेष फुलफिल होगा। देखिए यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और आज का रीडिंग ही है आपका, कौन कौन सी विशेष फुलफिल हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो भी विशेष है वो फुलफिल होगा, ठीक है। ये कार्ड कंफर्म कर रहे हैं कि आपका जो विशेष है वो फुलफिल होगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर कोई पावरफुल पोजिशन हासिल करोगे, पावरफुल जगह पर आ जाओगे। जैसे कि मैंने बोला, किसी जगह का हेड हो सकते हो, बॉस हो सकते हो, सोसाइटी में आपका इमेज अच्छा बन जाएगा, बहुत अच्छा पोजीशन आपको मिल सकता है, हर कोई आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपको नॉलेज उतना आपको नॉलेज रहेगा कि हर कोई आपको रिस्पेक्ट दे, ठीक है। ऐसे ही कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, आपकी काम की वजह से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, इस तरीके का सिचुएशन है। हो सकता है ये भी कुछ लोगों का विशेष था कि मुझे जॉब में बहुत अच्छा जो है पोजीशन मिले, या फिर मेरे सोसाइटी में मुझे हर कोई रेस्पेक्ट करे। प्लीज एंड जो गाइड करे मेरे व्यूअर्स की कौन कौन सी विशेस इमीडिएटली फुलफिल होने वाले हैं, इमीडिएटली कौन कौन सा विशेस फुलफिल होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है। दी मैजिशियन, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो सारे विशेस फुलफिल होगा आपके लिए, जो भी आपने चाहा है मैनिफेस्ट किया है। टॉप साइकिल का एंडिंग्स हो रहा है, जो भी आपके लाइफ में टॉप साइकिल चल रहा था, एंडिंग ऑफ हार्ट साइकिल, जो भी टॉप साइकिल चल रहा था वो साइकिल एंड होगा, रिजोल्यूशन आएगा, पावरफुल मोमेंट क्रिएट होगा। यहाँ पर आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, भर भर के पावर आएगा, और अबंडेंस ज़रूर आएगा। एक्शन ओरिएंटेड आप हो जाओगे, काम में ग्रोथ मिलेगा, करियर में ग्रोथ मिलेगा, लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएंगे, पहले ही मैंने बोल चुकी हूँ। और यहाँ पर करियर के लिए भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, साथ ही साथ अबंडेंस आपको रिसीव होगा भर भर के, सन की एनर्जी है। और देखिए यहाँ पर विश फुलफिलमेंट तो ऑलरेडी आए हुए हैं, पॉस्पिरिटी आएगा, हैप्पीनेस आएगा आपके लाइफ में गाइस, तो बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से कुछ और क्या आ रहा है, आपका कौन कौन सी विशेस फुलफिल हो रहे हैं। प्लीज एंजल गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए, कौन कौन सी विशेस इमीडिएटली फुलफिल हो सकते हैं पाइल नंबर 2, जिनका बर्थ मंथ फरवरी में, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, कौन कौन सी विशेस फुलफिल होने वाले हैं इमीडिएटली कौन कौन सी विशेस फुलफिल होने वाले हैं। स्पेशली आपके लिए मुझे ये दिख रहा है, पैसों में अगर दिक्कत था बहुत दिनों से, या तो फिर बेबी को लेके अगर दिक्कत था, फैमिली में दिक्कत था, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे गाइस। फैमिली में ग्रोथ आ सकते हैं, करियर में ग्रोथ आ सकते हैं। यस, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखोगे, क्लियरली समझोगे। अगर लॉसेस से गुजर रहे थे तो यहाँ पर अबंडेंस रिसीव होगा, चेंज होगा आपके लिए। ये सारे सिचुएशन, जो भी आपके साथ गेम खेल रहा था उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगा, जो भी आपके साथ आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे उनकी सच्चाई आपके सामने आएगा। आप जो है लेंस की तरह देखोगे, सर्च करोगे, ठीक है, कि इसके अंदर क्या है, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो ये पावर आपके अंदर आने वाले हैं, या तो फिर आपका इंट्यूशन इतना काम करेगा कि
आपको पता चलेगा कि कौन पर्सन झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर जो भी चीज़ें हाइट था वो आपके सामने आएगा। यहाँ पर पाजल की एनर्जी है, गैम्बलिंग की एनर्जी है, चेंज ज़रूर आएगा। जो भी प्रॉब्लम आ रहा था, इकोनॉमिकल लॉसेस हो रहा था, वहाँ पर चेंज आएगा। और जो भी आपके साथ गेम खेल रहे थे उनकी असलियत बाहर आ सकते। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स की कौन कौन सी विशेज फुलफिल होने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स की कौन कौन सी विशेज फुलफिल होने वाले हैं। बहुत दिनों से दो हो रहा है, मैं कंफ्यूज थे कि कौन सी ऑप्शन को चूज़ करनी चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो वहाँ पर आपको जो है रास्ता दिखेंगे। कॉन्सर्न, कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न थे, चिंतित थे, दुखी थे, डिप्रेशन में थे। अगर हेल्थ इशूज बहुत दिनों से हो रहा था तो वहाँ पर आपको न्यू बिगिनिंग मिलते हुए दिख रहे हैं कि हेल्थ इशूज अगर था तो वो एंड होगा और न्यू बिगिनिंग होगा, क्योंकि यहाँ से एंडिंग का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड। तो अगर हेल्थ इशूज हो रहा था तो उन सारी प्रॉब्लम्स का एंड होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर था रिलेशनशिप में तो वो एंड होगा। ग्रेट फॉर्चून, ठीक है, तो करियर में स्पेशली पाइल नंबर टू, और लव लाइफ के लिए भी, क्योंकि पहला जो शादी का कार्ड, मैरिज का कार्ड आया है, तो लव लाइफ को भी नहीं छोड़ सकते। लव लाइफ और करियर में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। और क्या चाहिए आपको, तो यही तो मेन दो चीज़ है हमारे लाइफ में, कि हमारे रिलेशनशिप में सुधार चाहिए होता है, करियर में सुधार चाहिए होता है। तो यही दो चीज़ आपको मिल रहे हैं। और मैसेज आने वाले हैं, अगर एक्स के लिए देख रहे हैं सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, तो मैसेज आ रहे हैं गाइस। साथ ही साथ ग्रेट फॉर्चून आ रहा है आपके लिए, न्यू बिगनिंग आ रहा है। बेबी को लेके अगर कोई दिक्कत था तो न्यू बिगनिंग होगा, ऑफिशियल पर्सन बन जाओगे, किसी जॉब में एंट्री हो सकता है, जॉब में न्यू बिगनिंग हो सकता है, न्यू ऑफर आ सकता है। ओके, स्पेशली नेवी में, या तो फिर पुलिस की जॉब में, या तो फिर फायर ब्रिगेड में, या तो फिर जिसमें क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म है, उस टाइप के काम में आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, अदरवाइज करियर में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगे गाइस। और ग्रेट फॉर्चून आ रहा है गाइस, जो भी हेल्थ इश्यूज वगैरह आपका हो रहा था वो सारे चीज़ें यहाँ पर एंड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ग्रेट फॉर्चून, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ग्रेट फॉर्चून आ रहा है। जो भी लॉसेस से आप गुजर रहे हो वो रिकवरी हो जाएगा। तो ये था पाइल नंबर टू आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आए हैं। तो जिनका भी बार्थ मंथ फरवरी में, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर था, उनके लिए उनके विशेस सारे फुलफिल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। स्पेशली लव लाइफ को लेके, शादी को लेके, करियर को लेके यहाँ पर ग्रोथ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके लिए नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, 5 वीक के अंदर, 5 मंथ्स के अंदर, और 4 वीक के अंदर, 4 मंथ्स के अंदर आपको ये रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। और लकी वंस को 7 डेज के अंदर यहाँ पर मैसेज आ सकते हैं गाइस। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इस रीडिंग को मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। और जो लोग चैनल पे न्यू हो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना अगर मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।